गुड इवनिंग एवरीवन, मेरे चैनल के नया फ्रेश व्लॉग में आप सभी लोगों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, काफ़ी दिनों के बाद अब प्लान बनाया हम लोगों का वापस गुड़गांव जाने के लिए। तो अभी हम लोग आ गए कटिहार रेलवे स्टेशन, देख लीजिए मेरे पीछे, मेरे साथ अजीत मिश्रा व्लॉग्स भी है। ये देखिए स्टेशन का नज़ारा कुछ ऐसा है अभी। और अभी यहाँ से हम लोग नीचे उतर रहे हैं और जाते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं। ट्रेन बहुत अच्छा मिला हम लोगों को, सिक्किम महानंदा एक्सप्रेस है, हर स्टेशन पर रुकते हुए जाती है, ये खास बात है इसका, ऐसा कोई ट्रेन छोड़ती नहीं है ये। अरे नीचे आकर के प्लेटफॉर्म में हम लोगों को जगह मिल गया, अभी पीछे बैठा दिया हूँ। और अब यहाँ का देख लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको रियर कैमरा से पूरा यहाँ का ट्रेन दिखाता हूँ। समस्या यहाँ पर यह है अब कि जो हमारा बॉगी है V3 वो किधर लगेगी पता नहीं है, और डिस्प्ले में अगर आ जाता है बॉगी नंबर लिख करके तो हम पहले से ही सामान लेकर के वहाँ पर एडजस्ट हो जाते हैं, लेकिन पता नहीं क्या होगा यहाँ पर, ऐसा कुछ लग नहीं रहा है कि डिस्प्ले बोर्ड में कुछ डिस्प्ले होगा, डिस्प्ले बोर्ड ही नज़र नहीं आ रहा है। इस बंदे का नया नया शादी हुआ है और आज रात में घर जाने में इसको लेट हो जाएगा, तो हो सकता है कि घर में जो है कि मैडम से डांट वांट पड़े इसको। तो पूछ लेते हैं कि मतलब पहली बार लेट हो रहा है शादी के बाद इतना लेट ही घर जाने में, या फिर पहले भी हुआ है? पहली बार हुआ है, ऐसी बात नहीं है। तो कैसे मनाया आपने अपने घर वाले को? कुछ नहीं बोलती है। कुछ नहीं बोलती है, बात ही करना बंद कर देती है? नहीं कुछ। अच्छा, माफ़ कर देती है, मतलब ऐसा होना चाहिए, गलती करने के बाद माफ़ी तुरंत मिल जाए। हाँ, ऐसा होना चाहिए। रेलवे स्टेशन में जो चाय मिलता है ना, उसका जवाब नहीं, इतना टेस्टी चाय मिला कि कुछ लोगों ने तो पिया, कुछ लोगों ने फेंक दिया। अभी चाय का दुकान दिखाता हूँ आपको, आप लोग भी अगर शौकीन है चाय पीने के तो रेलवे स्टेशन में और ट्रेन में तो चाय बिल्कुल ना पिए, घर जाके चाय पिए, पी सकते हैं थोड़ा सा अपना तलब कम करने के लिए, मज़ा नहीं आएगा। चाय का दुकान दिखाता हूँ आपको। ट्रेन आ चुकी है, लोग हमें यहाँ तक पहुँचा दिए हैं, ट्रेन में बैठा भी दिए हैं, अंदर बैठ भी गया हूँ मैं। और ये देखिए ट्रेन आ गई है, काफ़ी पीछे था डब्बा, और बाकी जो दोनों लोग थे मिश्रा जी और नंदन, दोनों चले गए, चला जा चुका यहाँ से। और अब यहाँ से हम लोगों का अकेले का जर्नी है, चलिए चलिए आपको ले चलते हैं इस छोटे से यात्रा पर मेरे साथ, आप भी आनंद लीजिए इस जर्नी का। सही है, काफ़ी सही है फिलहाल तो, अच्छा लग रहा है। पूरा ट्रेन खा, ये डब्बा पूरा खाली ही खाली है अभी। अभी एक बंदे से बात हुआ था तो वो कह रहे थे कि वो दो ही लोग आए हैं इसमें, भी देखते हैं आगे भरती है या नहीं भरती है। ऑल सेट चुके हैं हम लोग, सब कुछ सेट हो गया है, अब ट्रेन खुले आराम से सेटिंग हो जाएगा, फिर लेट लेट के जाएंगे आराम से। मुझे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सब कुछ सही तो है, बस ट्रेन ही बेकार है, और अच्छे से बेकार हो जाए तो हम लोग सुबह सुबह पहुंचेंगे, अगर ऑन टाइम जाएगी तो फिर तबाही हो जाएगा। दोस्तों, आज सुबह के लगभग 7 बज रहे हैं और आज नेक्स्ट डे है, 3 मई है, और मैं पहुंच गया हूं अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। ट्रेन काफ़ी स्लो चल रही है और हर स्टेशन में रुकते हुए जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा टाइम लग रहा है इसको। देख लीजिए मेरे, आपको मैं दिखाता हूँ, देख लीजिए मेरे पीछे कुछ ऐसा नज़ारा है इस स्टेशन का, जब से नाम बदला है तब से इसका रूप ही चेंज हो गया।
तो मैं आपको दिखाता हूँ कि इंडियन रेलवे कितना हाईटेक हो गया है। फ्लस का जो है इलेक्ट्रॉनिक स्विच दे दिया गया है। मैं आपको दिखाता हूँ, पहुंचने वाले हैं कुछ ही देर में, 5-7 मिनट में बस दिल्ली से हैदराबाद हम लोग क्रॉस कर चुके हैं। इसके बाद अब दिल्ली रेलवे स्टेशन ही है। ये देखिए अभी सो ही रहा है, इसका पूरा प्रिपरेशन हो रहा है अभी कि जब हम तब हम लोग ट्रेन से उतरेंगे जग जाएगा, फिर पूरे रास्ते परेशान करते हुए जाएगा। ये है बच्चों का प्लानिंग, इन लोगों के प्लानिंग से इन लोगों के प्लानिंग से हम लोग नहीं जीत सकते। अभी ये चार्ज हो रहा है, निधि बोल रही है अभी ये चार्ज हो रहा है। लगभग सारी पब्लिक उतर चुकी है, कुछ ही लोग हैं जो कि दिल्ली रेलवे स्टेशन उतरने वाले हैं, इनमें से हम लोग हैं। जब हम लोग कटिहार में बैठे थे तो बिल्कुल ही पब्लिक नहीं थी, सिर्फ 2 लोग थे इसमें बैठे हुए, और अभी उतरते उतरते कुछ ही फैमिली यहाँ बची हुई है। चलिए यात्रा पूरा हो गया। इस बार हम लोगों को अच्छा ट्रेन नहीं मिला आने के लिए, बेकार ट्रेन मिला, लेकिन ये बेकार ट्रेन ने अपना सारा रिकॉर्ड तोड़ दिया। हर स्टेशन पे बिफोर पहुंची है, इवन दिल्ली भी ये 1.5 घंटे बिफोर पहुंच जाती, लेकिन समय से पहुंचाना शायद इन लोगों का मजबूरी होता है। तो रास्ते में शहदरा से पहले गाजियाबाद के बाद इन्होंने रोक दिया था ट्रेन को, 1.5 घंटे रोक दिया था। अब समय हो गया, अब चलना शुरू हुआ है, तो रुझाव आना शुरू हो गया है। देख लीजिए, देख के लग रहा है कहाँ हम लोग आ चुके हैं। अब दोस्तों इस रेलवे स्टेशन तो उतर गया था मैं, उतरने के बाद ये ऑटो में CNG भरा जा रहा है। CNG भरने के बाद निकलते हैं यहाँ से, काफ़ी दूर तो आ ही चुके हैं हम लोग, लगभग नेपालपुर के आसपास। स्टेशन में उतर के मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया, इसका वजह यह था कि काफ़ी जल्दबाजी थी, गाड़ी काटना था और बहुत ज़्यादा रात हो रहा था, इसकी वजह से परेशान थे। देख लीजिए मैं यहाँ CNG पंप में हूँ, ऑटो है में जा रहे हैं हम लोग अभी। Pray tonight.